भाई लोग आज बात करने वाले थे जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना के नाम होगा WWE के जून का महीना, और बात करेंगे अपने MJF के बारे में, और बात करेंगे अपने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं MJF के बारे में। गाइस MJF पूरी तरीके से WWE में आने के लिए तैयार हैं, गाइस पूरी तरीके से मजे ले रहे हैं, और AEW वाले टोनी खान टेंशन में दिख रहे हैं। गाइस MJF पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और गाइस लग रहा है कि AEW वाले अपने MJF को पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले ही निकाल देंगे। गाइस ऐसा लग रहा है कि अपने पब्लिक जाके MJF WWE तारीफ में WWE आने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। और गाइस बात करते हैं अपने जॉन सीना के बारे में। गाइस जॉन सीना को लेकर WWE ने अपने ऑफिशियल साइट में डाला है कि जून का महीना जो कि जॉन सीना के नाम होगा और जॉन सीना का सेलिब्रेशन होगा। तो गाइस ऐसी अपडेट है कि WWE जून के महीने में जॉन सीना का सेलिब्रेशन करेगी। तो गाइस जो सकते अपने जॉन सीना जून के महीने रिटर्न कर सकते हैं। गाइस WWE जॉन सीना का प्लान बना रही है कि जून के महीने में जॉन सीना को WWE में रिटर्न कराया जाए, और जॉन सीना को रॉक के लिए WWE प्लान कर रही है कि रॉक में रिटर्न कराया जाए। तो गाइस क्या जॉन सीना अपने रिटर्न करने वाले हैं? अगर गाइस जॉन सीना अपने रिटर्न करते हैं तो उनकी किसके साथ फ्यूड होगी? गाइस जॉन सीना के नाम पूरा का पूरा जून महीना होने वाला है। और गाइस बात करते हैं अपने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बारे में। गाइस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अपने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस WWE के मेगा पुश में जाने वाले हैं। रोमन रेंस के तरीके से WWE अपने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को भी पुश करने वाली है। गाइस हो सकता है गाइस 2022 का लास्ट मंथ या फिर अपने 2023 के शुरुआत से सेथ रोलिंस को मेगा पुश में डालेंगे विंस मैकमैन। हो सकता है कि रोमन वर्सेस सेथ की भी फ्यूड 2023 में ही हो। क्या हो सकता है कि हॉलीवुड में ही सेथ वर्सेस रोमन की फ्यूड करा दी जाए? तो गाइस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है कि सेथ रोलिंस को मेगा पुश में डालने वाले हैं अपने विंस मैकमैन। तो गाइस ये अपडेट है आज की वीडियो के बारे में। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।